तीसरे पे मेरा नंबर आया तो मेरे को देखते ही बोला समझ में आ गया ड्राइवर ही मरा है तो गाड़ी कैसे चलेगी। खुशी होना आपकी मजबूरी है क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है, जीवन में सब कुछ है लेकिन खुशियां नहीं है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हिंदुस्तान में जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदी कविताओं की जो ताकत है वो दुनिया में कहीं नहीं है। शायरी का जो मकाम है और मयार है वो दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ वो लोग हैं जो संवेदना की भाषा समझते हैं, जो दिल की भाषा समझते हैं, जो हृदय की भाषा समझते हैं। ये वो देश है जहाँ लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचा करते हैं। ये वो देश है जहाँ की धरती को माँ की तरह पूजते हैं। ये वो देश है जहाँ हम रिश्तों को निभाना जानते हैं। ये वो देश है जो हाथ में बंधे धागे की कीमत जानता है। ये वो देश है जहाँ अजान के स्वर है तो मंदिरों की घंटियाँ भी हैं। ये वो देश है जहाँ ईद की सेवैयाँ हैं तो दिवाली की मिठाइयाँ भी हैं। ये वो देश है जहाँ गिरजाघर की प्रार्थनाएं हैं और शाम की आरती भी। ये वो देश है जहाँ वो सब कुछ है जो दुनिया में कहीं नहीं है, इसीलिए देशी हमारी दुनिया है। आइए हिंदुस्तान के लिए एक बार कहते हैं वाह भाई वाह। और हिंदुस्तान में कमाल की चीजें होती रहती है। एक बच्चा मुझसे मिला, अंकल आप सब बड़े बड़े लोगों के चुटकुले सुनाते हो, हमारा कभी नहीं सुनाते। अच्छा, बच्चों की जो बातें होती हैं बड़े लाजवाब होती हैं। जैसे एक बच्चे की पिताजी की मिठाई की दुकान थी तो उन्होंने बच्चे को वहाँ बिठा दिया। अब एक आदमी आया, बच्चा छोटा सा 8-9 साल का, और देख के बोला यार तेरी उम्र तो दुकान पर बैठने की नहीं है। तो पिताजी बैठा के गए हैं तो तू बैठा तो रहता है वो तो ठीक है, लेकिन रसगुल्ले देख के तेरे खाने का मन नहीं करता। अंकल करता तो बहुत है, पापा क्या गिन के रख के गए ना, तो मैं खाली चूस चूस के रख देता हूँ। कमाल की होती बच्चों की बातें, बच्चों की जैसी बातें वैसे उनकी मासूमियत। एक बच्चा भाई मासूम है, उसके घर के अंदर जो है वो जो दीवार घड़ी थी वो बंद हो गई। अब उसके पिताजी ने कहा, उसको लगा कि विज्ञान समझाए, उसको समझाने की कोशिश करने लगे घड़ी कैसे चलती है क्या होती है। तो हमारे हिंदुस्तान में पिता समझाता बहुत है, मौका मिलना चाहिए बस। तुम क्या जानो, माँ बाप बनोगे जब पता चलेगा, क्या खाक पता चलेगा, और वो बनने का मौका भी नहीं देते। खैर ये अलग बात है, लेकिन तो कुल मिला के जो पिता है वो पुत्र को ज्ञान देने की प्रक्रिया में, उसे समझाऊंगा घड़ी कैसे चलती कैसे बंद होती, दीवार घड़ी उतारी पूरे खोला देख ध्यान से देख, और खोल के देखने लगे तो अंदर एक मच्छर मरा हुआ था। अब उन्होंने से निकाल के फेंका, क्या समझ में आया, समझ में आ गया ड्राइवर ही मरा है तो गाड़ी कैसे चलेगी। लेकिन जिंदगी में तकलीफें भी आती है। अब पिताजी वही जो ज्ञान देने वाले हैं, उन्होंने बेटे से कहा जो जवान हो गया थोड़ा सा बेटा, फोन देते रहो। अब बाप फोन मांग ले, अब एक मिनट ऑन करके देता हूं, एक मिनट वीडियो डिलीट सबसे पहले चैट डिलीट, लड़कियों के सारे नंबर डिलीट, आंखों में आंसू भर गए कि क्या हो गया। फिर बोला ये लो पिताजी, नहीं नहीं रहने, मेरे को तो खाली टाइम देखना था। अरे जब खराब टाइम आता है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन हम तो आपके लिए वक्त है वो अच्छा लेके आते हैं ना। हर रात 10 बजे ऐसा वक्त ले आते हैं जो वक्त हंसी का है, ठहाकों का है, मुस्कुराहट का है, परेशानियां दूर करने का है, गम भुलाने का है, और जिंदगी को नजदीक से देखने का है, मोहब्बत में डूब जाने का है। इसीलिए तो हम कहते हैं वाह भाई वाह। और आज इस रविवार के दिन हम आपके लिए खास एपिसोड लेके आए हैं। खास एपिसोड इसलिए कि हमारे साथ आज 2 कलाकार ऐसी शिरकत करने वाली हैं जिन्हें देख के जिन्हें सुन के आपको बड़ा आनंद आने वाला है। एक नया शो जो शिमारू उमंग पे प्रारंभ होने जा रहा है कल से रात ठीक 8:30 बजे, जिस शो का नाम है श्रवणी। और वो कितना खूबसूरत शो है जरा उसकी झलक हम देख लें, लेकिन वो झलक देखने से पहले मैं बुलाना चाहता हूं सबसे पहले श्रवणी की चंद्रा को। हमारे नाम में भले ही चांद, आग हम सूरज वाली रखते हैं। क्या
एहसास है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अपने शो पे बुलाया और हमारा शो भी इसी शो की तरह वाह भाई वाह होने वाला है। तो तुम बड़े कमाल के मुकाम पे आई हो चंद्रा। 300 एपिसोड हम पूरे कर चुके हैं और ये यात्रा भी जा रही है, तो हम भी तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारा शो भी ऐसे करे। वैसे क्या है ये कैरेक्टर चंद्रा श्रवणी में? श्रवणी जो हमारी बच्ची है उनकी जिंदगी को नर्क करने के लिए चंद्रा आई है और तो उनकी जिंदगी को नर्क करने के लिए चंद्रा आई है और पहली बार नेगेटिव कर रही हूँ और बस मेरा टारगेट श्रवणी है। श्रवणी जो करेगी उसका उल्टा करना है। उसके माँ बाप को मैंने अंधा तो कर ही दिया है। वो सब उनकी आंखों में डाल के और हाँ, और ये जो चाबी का छल्ला है वो हर्षवर्धन जी के घर का और मैंने पूरा कब्जा कर लिया है उनके घर पर और बस चंद्रा का राज चलता है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। वो लोहे का वो साथ में तो नहीं है सरिया? वो आज तो नहीं है ना। खुशी होना आपकी मजबूरी है क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है। और अब बुलाते हैं श्रवणी की, उस श्रवणी को जो बहुत छोटी सी है, प्यारी सी और कमाल की है। आओ श्रवणी। हेलो श्रवणी, हाउ आर यू? मैं बेटा बहुत अच्छा हो गया हूँ आप लोगों से मिलके। पहले अच्छा था, बेहतर हो गया। कैसा लग रहा है यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम मैं शिमारो का शो कर रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम बेटा, अभी तुम इतनी छोटी सी तो हो। नहीं इन्होंने मतलब इसके पहले से तुम कर रही थी काम? हाँ जी। हमें तो डूब मरना चाहिए। और आप ये कर रही हो? कैसा लग रहा है श्रवणी करके? श्रवणी बहुत अच्छा कैरेक्टर है और जिसमें ये विलेन का रोल करती है। मतलब इन्होंने अभी तक तो हमारे माँ बाबा को भी अंधा कर ही दिया है। ओहो, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, हमारे साथ क्या करती है ये और हम इनके साथ क्या करते हैं। लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि आप क्या करती है, ये क्या करती है, लेकिन हमारी जनता को इस शो की एक झलक दिखा देते हैं जो कल रात शिमारू उमंग पे 8:30 बजे शुरू होने वाला है। चंद्रा, हमारे नाम में भले ही चांद, आग हम सूरज वाली रखते हैं। हमारी श्रवणी पे कभी भी उनका साया भी ना पड़े और ना ही कभी वो उस घर की दहलीज लांघे। अपनी मासूमियत से अहंकार की दहलीज लांघ स्वाहा। क्या श्रवणी दिला पाएगी अपने माँ बाप को उनका खोया सम्मान? श्रवणी 24 अप्रैल से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे शिमारू उमंग पर। क्या बात है भाई, ये तो कमाल काम किया आप लोगों ने। ये शो तो सुपर हिट है कि नहीं? देखो ये हमारी जो जनता है अभी से प्रोमो देख के उनको इतना आनंद आ गया तो शो देख के तो क्या होगा। गौरिका उर्फ श्रवणी, श्रवणी का नाम वैसे गौरिका है और इन्हें कौन नहीं जानता। ये जो चंद्रा का रोल कर रही है ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत पुराने दोस्त कृष्णा अभिषेक की बहन है और मेरे बड़े ही प्यारे गोविंदा जी की भांजी है। आरती हमारे बीच में है और आज इस शो में आई है सिर्फ आनंद उठाने के लिए। अब जो तो नेगेटिव करके बहुत थक गई होगी, बहुत ज्यादा है ना, मैं मुझे थोड़ा ब्रीदर की जरूरत थी। आओ चंद्रा एंड श्रवणी आइए। स्वागत है आपका हमारे शो में और बेहद शुभकामनाएं आपको आपके शो के लिए जो कल रात 8:30 बजे शिमारू उमंग पर शुरू होने जा रहा है। और मुझे लगता ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता भरपूर इसे प्यार देगी और खूब ये देखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। आपके शुभ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए मिलते हैं उनसे जो आज के शो में हम सबके लिए वो लेके आए हैं जिन्हें सुन के आप न केवल मुतासर होते हैं बल्कि प्रेरित भी होते हैं और जिन्हें सुन के आपको बड़ा खूबसूरत लगता है। उनमें से दो लोग ऐसे हैं जो पहली बार टेलीविजन पर कविता पढ़ने आ रहे हैं, उनमें से ये जो है इंदौर का शिवा इंदौरी, अयोध्या उत्तर प्रदेश की रुचि द्विवेदी,
लखनऊ उत्तर प्रदेश से सोनी मिश्रा और राव इंदौर के अतुल ज्वाला। एक बार अतुल को किसी ने पूछा, अतुल बड़ा फेंक रहा था, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। किसी ने कहा, अतुल तुम कंघी नहीं कर सकते। ये है अतुल ज्वाला हमारे बीच में। भाई महफिल की शुरुआत करते हैं शिवा इंदौरी जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम करता हूँ आपको। सर देखा होगा आपने कि इस दुनिया में, इस जीवन में देखा जाए तो हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है। और इस समय मैं जो परेशान हूँ वो मेरे बढ़ते हुए पेट के कारण, मेरे बढ़ते हुए वजन के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चार पंक्तियाँ सुनाता हूँ सर कि क्या हादसे होते हैं मेरे साथ में, कि भरी महफिल में मेरी किस्मत फूट गई, हाथ में जो थी वो चाय की प्लेट टूट गई, और इस भारी भरकम वजन ने मचाया ऐसा कोहराम कि मेरे बैठते ही मजबूत कुर्सी भी टूट गई। बहुत तकलीफ है सर इस बढ़ते हुए वजन के कारण। मैं सर पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन के लिए फोटोशूट कराने जा रहा था, एक स्टूडियो में गया फोटोशूट कराने, तो मेरे से पहले एक लड़का था, लड़के को कैमरामैन ने बोला कि भैया स्माइल प्लीज, उसका फोटो हो गया। दूसरी बार एक लड़की आई कि फोटो खिंचाना, तो लड़की को बोला स्माइल प्लीज, फिर तीसरे पे मेरा नंबर आया था, मेरे को देखते ही बोला पेट अंदर प्लीज। ये तकलीफ है सर। और एक तो मेरी हाइट सर 6 फीट की, अच्छा ऊपर से मेरा वजन 101 किलो का। अब इसकी समस्या कहाँ कहाँ आती है वो देखिएगा। घर से निकलता हूँ तो घर का गेट दिक्कत देता है, ऑफिस से निकलता हूँ तो ऑफिस का शेड दिक्कत देता है, और जब भी जाता हूँ मिलने प्रेमिका से तो हम दोनों के बीच में मेरा ये पेट दिक्कत देता है। बड़ी समस्या है। इस पापी पेट से परेशान होकर सर मैंने एक कविता लिखी, वो मैं सुनाता हूँ। सुनिएगा कि ए मेरे प्यारे सगे पेट, सगे ए मेरे प्यारे सगे पेट, तू मेरी थोड़ी सी बात मान ले यार, बस अब और बाहर मत निकल, तू मेरा थोड़ा इतना सा दर्द जान ले यार, कि खुद रहा भूखा पर तुझे भूखा नहीं रखा, और किसी भी मौसम में मैंने तुझे सूखा नहीं रखा। कचोरी समोसा और आलू बड़ा भी खूब खिलाया तुझे, छाछ लस्सी और कोल्ड ड्रिंक भी खूब पिलाया तुझे, मूंग का हलवा, दूध का कलाकंद और सांची का श्रीखंड दिया, गन्ने का जूस, बादाम का शेक और जल में जीरा डालकर पिया, तेरी हर बात का ध्यान रखा रे मैंने, जरूरत से ज्यादा तेरा मान रखा रे मैंने, पर तूने मेरे लाड़ प्यार का गलत इस्तेमाल किया, देख तेरे बढ़ते हुए आकार ने मेरा क्या हाल किया। मेरा बेटा भी मुझे कुछ भी खाने से रोकता है, और पापा पापा बहुत मोटे लगते हो ये कहकर बार बार टोकता है, और ढीले ढाले जींस भी मेरे फंसने लगे हैं, मोटा मोटा कहकर लोग सांप की तरह डसने लगे हैं, और पेट्रोल के भाव से ज्यादा तू बढ़ रहा है, और हर शुभ काम के बीच में तू अड़ रहा है। हर शुभ काम के बीच में तू अड़ रहा है। आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं सर, मेरे तुझे क्या मालूम मैं क्या सोच रहा हूँ। पेट्रोल के भाव से ज्यादा तू बढ़ रहा है, और हर शुभ काम के बीच में तू अड़ रहा है, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, पर अब बात मेरी मान ले यार, बस अब और बाहर मत निकल, मेरा इतना सा दर्द जान ले यार, एक कविता सुनाने का मन है मेरा। इतनी देर क्या सुना रहा था सर? ये मेरा रस से अलग की कविता है, अच्छा वो सुनाना चाहता हूँ मैं सर। तेरे पेट वाले पे मेरे को लगा एक बार, हमारे साथ हुआ था, हमारे एक दोस्त का बहुत पेट ऐसा आया हुआ था, और कोइंसिडेंटली उसी वक्त उनकी धर्मपत्नी गर्भवती भी थी, तो दोनों ही अस्पताल गए, तो डॉक्टर ने कहा भर्ती किसे करना। हाँ तो तुम्हारे रस से अलग तुम क्या कह रहे थे? सर मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि हर बड़े शहरों में जितने भी चौराहे, तो हर चौराहे पे कुछ न कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने वाले आते हैं, हर किसी ने देखा होगा। तो सर मैं भी मेरे इंदौर में किसी चौराहे से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी के सामने एक बच्चा आया, उस बच्चे ने मुझसे भीख मांगी। गाड़ी है सर, प्रॉपर्टी का काम जान के बड़ी खुशी हुई। नहीं अच्छा लगता है यार, ये बड़ी अच्छी बात है। अभी गाड़ी से है, बहुत बढ़िया, ये इसी पेट ने ले रही है, कार से आया है सर। हाँ इंदौर से जी सर। अरे वाह सुना।
उस बच्चे को जो राशि मैंने देना थी वो दे दी मैंने, पर उस बच्चे के क्या भाव में अपनी कविता में उतार पाया हूँ, सुनिएगा सर। अच्छा, इस कविता का शीर्षक है उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा। उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखना, बहुत बढ़िया बात है शिवा, सुनाओ। एक चौराहे पर एक दृश्य मैंने देखा, एक चौराहे पर एक दृश्य मैंने देखा, उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा, और नन्हे नन्हे हाथों में घर की जिम्मेदारियों का बोझ था, पढ़ने लिखने की उम्र में काम का ओवरडोज था, और खेलना कूदना तो जैसे उसे आता ही नहीं, खेलना कूदना तो जैसे उसे आता ही नहीं, बचपन क्या होता है ये उसे पता ही नहीं, भूख से खाली पेट मैंने उसे भीख मांगते देखा है, उगते हुए सूरज को मैंने डूबते हुए देखा। वाह वाह वाह, उगते हुए सूरज को मैंने डूबते हुए देखा, कि वो कोई भिखारी नहीं, वो कोई भिखारी नहीं, वो भी भारत का भविष्य होता, और स्कूल आश्रम का पता नहीं उसे, वरना वो भी किसी गुरु का शिष्य होता, और काश होता उसे भी अपने बचपने का एहसास, खेलता कूदता पढ़ता लिखता बनता वो भी कोई खास, मैंने उसकी आंखों में आंसू बनते देखा है, भारत के भविष्य को मैंने भीख मांगते देखा है, क्या बात है, हाँ मैंने, हाँ मैंने उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा है, उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया शिवा, बहुत अच्छे। क्या बात है शिवा, एक अच्छे विषय पे तुमने कविता सुनाई, मैंने उगते हुए सूरज को डूबते हुए देखा है। निश्चित तौर पे जो हमारे समाज में ये जो कुछ असमानताएं हैं, विसंगतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, उन पे कलम चलना बेहद आवश्यक है। कैसा लगा हमारे मेहमान से हम पूछते हैं, आरती कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत हंसाया, समोसा सुन के मुझे भूख भी लग गई। और डेफिनेटली जो आपने आखिरी में जो सुनाया वो काफ़ी दिल को छू गया, क्योंकि हमारे भारत के भविष्य बहुत सारे इन्हीं सड़कों पे पड़े हैं, लेकिन बहुत सारे जो आज यहाँ पे भी खड़े हैं वो वहीं से उठ कर आए हैं, और वो भी जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर वाले से ऊपर कुछ नहीं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, पेट वाला बहुत अच्छा था, बहुत फनी था। क्या बात है, लेकिन बहुत अच्छा लगा तुम्हारे, तुम्हें बहुत अच्छा लगा कि हमने शिवा का सुना। अब हम पढ़ते हैं आगे, उसे बुलाते हैं। डैनी, तुम्हारी जिंदगी में इतनी सफाई है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, चांद की किरणें भी टकराती है तो परावर्तित हो जाती है। अतुल ज्वाला राव इंदौर से हमारे बीच में। शेमारू के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय शैलेश जी, आप विश्वास रखिए आज मैं बहुत अच्छा सुनाऊंगा। ऐसा इसलिए है कि श्रवणी की चंद्रा बैठी हैं सामने, और इनके हाथ में हमेशा दो सरिये रहते हैं, अगर पसंद नहीं आया तो ये आंख भी फोड़ सकती है। तो इसलिए मैं बहुत अच्छा सुनाऊंगा। मैं तो देखिए बहुत भोला आदमी हूँ, मैं घर पर खा रहा था खाना, लेकिन लौकी की सब्जी बनी थी इसलिए पत्नी पर झल्ला रहा था, इतने में पड़ोसन आई, वो भी लौकी की सब्जी लेकर, ओहो, और गलती से मेरे मुंह से उनकी सब्जी की तारीफ निकल गई। उनकी सब्जी की जैसे ही तारीफ की, पत्नी के सामने पड़ोसन की तारीफ भारी हो गई, पत्नी भिंडी की तरह करारी हो गई, पत्नी भिंडी की तरह करारी हो गई, मेरे सुकून का जहाज हो गया हाईजैक, मुझे यूक्रेन समझ उसने रूस की तरह किया अटैक। बहुत बढ़िया, और अब आनंद लेना कि रूस की तरह किया अटैक, 10 बार माफी मांग ली पर समस्या अभी भी भारी है, 10 बार माफी मांग ली पर समस्या अभी भी भारी है, हिंसक युद्ध तो बंद हो गया पर शीत युद्ध अभी जारी है। अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह, शीत युद्ध अभी जारी है, मैं बेचारा अपने भोलेपन की सजा पा रहा हूँ, पिछले 42 दिन से सिर्फ लौकी की सब्जी खा रहा हूँ। मेरे तो बचपन में और कॉलेज के जमाने में हालत ही खराब थी। ऐसा कुछ इसलिए नहीं हुआ
क्योंकि मेरे साथ क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उसने कहा तुम क्लास के सबसे होशियार लड़के हो तो मुझे भी पढ़ा दिया करो। मैंने कहा कि बिल्कुल पढ़ाऊंगा। मैंने उसको केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। हालांकि केमिस्ट्री मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन इसलिए पढ़ाना शुरू किया आरती जी क्योंकि मैं उससे अपनी केमिस्ट्री मिलाना चाहता था। और मेरे तो दिमाग में स्पष्ट था कि अगर केमिस्ट्री मिल जाए तो फिर मैं बायोलॉजी पे आऊंगा। हालांकि इस चक्कर में नतीजा ये हुआ कि वो पास हो गई, मैं फेल हो गया, और ये बात वो लड़की मुझे हिंदी में समझा के गई कि भैया जब अपना गुणा भाग कमजोर हो तो दूसरे को जोड़ घटाव नहीं सिखाना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैंने बचपन से एक कविता सुनी है। सुनाओ अतुल। आदरणीय शैलेश जी की बहुत मिस करते हो ना। सच सच बताना यार, मिस करते हो क्या? हाँ, वो कविता कई बार सुनी, उसी भाव भूमि पर मैंने एक कविता लिखी है। सुनिएगा कि बचपन कैसे याद आता है कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, शंकर बा के बाड़े से जो चुराए थे होली के लिए कंडे, रखा है डिब्बा गोटियों वाला जिसमें अब भी है चमक, रखी है माचिस के खोके की ताश पत्ती जिनमें लग गई है दीमक, रखा है धागा भरा उचक्का वो पतंग उड़ने को आतुर है, वो डोर से लिपटा हुआ भवरा घूमने को आतुर है, रखा है वो साइकिल का टायर जिसे मैं खूब चलाता था, रखी है डिब्बे की नकली टीवी जिसमें मैं फिल्म दिखाता था, वो चबूतरे जिन पर खेलते थे वो धूल से प्यार कर रहे हैं, गांव में है कुछ दोस्त जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हम सब बहुत छोटे गांव से निकले, तब पंक्तियां सुनिएगा कि दोस्त बैठे हैं नदी के पनघट पर, रेत और मिट्टी उड़ा रहे हैं, लोटा एक बार फिर बचपन में यही कहकर बुला रहे हैं। वाह वाह वाह, कि यही कहकर बुला रहे हैं। और कौन दोस्त आपको भी हमेशा याद आते होंगे, कि याद है वो दोस्त जिनके साथ स्कूल से भाग आते थे, वो आम के बाग यहाँ छुपकर आम चुराने जाते थे, वो गन्ने की बैलगाड़ी से मेरे लिए गन्ने खींचने वाले दोस्त, डांट खाते वक्त एक दूसरे के पीछे छुपने वाले दोस्त, वो शहद के लिए मधुमक्खी के छत्ते ढूंढने वाले दोस्त, और त्योहार पर मेरे साथ आम के पत्ते ढूंढने वाले दोस्त, कि त्योहार पर मेरे साथ आम के पत्ते ढूंढने वाले दोस्त, वो दोस्त बहुत याद आते हैं। तुम्हारी पुरानी दोस्त आइए मोबाइल पर बताते हैं, कि तुम्हारी पुरानी दोस्त आइए मोबाइल पर बताते हैं, और अपने तमाम दोस्तों को ये दो पंक्तियां आप भी सौंपिएगा कि वो बचपन के दोस्त, वो बचपन के दिन, वो बचपन के दोस्त, वो बचपन के दिन अब भी ख्वाबों में बच्चे की तरह मचलते हैं, मजबूरी के कारण जो दोस्त मिल नहीं पाते वो आँख से आंसू बनकर निकलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा सुनाया तुमने। तुमने कहा कि वो मेरी कविता मिस करते हो कि नहीं। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? मुझे बड़ी खुशी है, और मुझे इस बात का गर्व तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक संतुष्टि है कि ईश्वर ने वो कविता मुझसे लिखवाई। मेरे ख्याल से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा बार देखी जा चुकी है, इससे भी कहीं ज़्यादा होगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैंने उस पर लिख ही दिया था तो उस भावभूमि पर लिखने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन फिर भी अतुल ने लिखा। मैं इस पूरे ताने बाने में सिर्फ इतना सा कहूँगा कि हमने जो खो दिया वो हमें पता ही नहीं कि हमने क्या खो दिया, और जो हमने पाया वो हम पाना चाहते थे या नहीं मुझे नहीं मालूम। तब मैं सिर्फ एक पंक्ति सुनाता हूँ जो उस कविता की भूमिका में मैंने कहीं लिखा था, कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, 21वीं सदी का
बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव है। जीवन में सब कुछ है लेकिन खुशियां नहीं है। लेकिन हमारी श्रवणी और चंद्रा यानी कि गौरिका और आरती को कैसा लगा हम जानना चाहेंगे। मैं जैसे बहुत लोग जानते हैं कि मैं नहीं, आई डोंट नो, सब लोग जानते हैं मैं लखनऊ में पली बड़ी हूँ। मैं जानता हूँ उस बात को, लखनऊ में पली बड़ी हूँ तो वहाँ की याद आ गई और बस थैंक यू सो मच। हाँ श्रवणी, मेरा तो बचपन ही चल रहा है अभी। ये बहुत बढ़िया बात है, वाह। मेरा तो अभी बचपन ही चल रहा है, तो अभी जब मैं 18 इयर्स की हो जाऊंगी तब बताती हूँ। अरे वाह क्या बात, ओहो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, ये इतनी परिपक्वता, इतनी मैच्योरिटी, बहुत बढ़िया बात है। ये जो तुम्हारी उम्र है श्रावणी, बस उसी उम्र में मैं मंच पे आया था, ठीक इसी उम्र में जब पहली बार मैंने मंच पे जाके कविता पढ़ी, तब कोई मानने को तैयार नहीं होता था कि ये लड़का लिखता है इतना सा, कोई नहीं मानता था। 25,000 लोगों की भीड़ के सामने मैं कविताएं पढ़ता था और उस जमाने में मेरा उपनाम दीपक हुआ करता था, ये किसी को नहीं मालूम। आज पहली बार मैं बता रहा हूँ कैमरे पे, शैलेश लोढ़ा दीपक, तो ये हुआ करता था, वो फिर शैलेश लोढ़ा रह गया। ठीक तुम्हारी उम्र में मैंने पहली कविता पढ़ी थी, लेकिन जब लगातार पढ़ता रहा तो लोगों को मानना पड़ा कि हाँ यार ये तो यही है। और मैं तुम्हारे इस जिस ढंग से तुम बोल रही हो उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ, उसकी तारीफ करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ। थैंक यू सर। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, बेटा खूब काम करो और श्रवणी बनकर तो तुम कमाल कर ही रही हो और कमाल करोगी, कल से सारी दुनिया देखेगी। लेकिन ये जो बचपन अभी चल रहा है ना, इसे जिंदा रखना, बस खूब खेलना, खूब कूदना, खूब शैतानियाँ करना। क्योंकि मेरी एक पंक्ति के ज़माने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दिया जाए। दोनों जो है यहाँ पे बड़ा आनंद उठा रही है। तुम्हारे बचपन की गोविंदा जी के साथ बड़ी यादें होंगी आरती। हाँ बहुत ज़्यादा यादें हैं चीची मामा के साथ, और कहते हैं ना कि मामा में दो माँ होती है। बिल्कुल, मामा में दो माँ होती है, तो वही चीची मामा का किरदार हमारी जिंदगी में रहा है। वो कमाल के इंसान है, मैं जितनी बार उनसे मिलता हूँ मुझे बड़ा आनंद आता है और वो मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जिस वक्त भी उनसे मुलाकात होती है, बहुत छोटी छोटी सी कहीं कहीं भी हो जाती है, लेकिन वो बड़े कमाल के हैं। और एक्टर तो खैर उनके जैसा कोई है ही नहीं। दूसरा गोविंदा होना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल है। और कमाल के हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। क्या बात है। और हमें पता चला कि श्रवणी का जो रोल कर रही है गौरिका, वो जोधपुर की है, जोधपुर की रहने वाली है। मैं जोधपुर से हूँ। हाँ तुम्हें मालूम है जोधपुर से इस सेट पे एक आदमी और है जो जोधपुर से है। सर आप तो आप बोलते हैं आगे श्रवणी और चंद्रा की उपस्थिति में, और उसे बुलाते हैं जो पहली बार वाह भाई आके मंच पे है। लेकिन मैं जानता हूं आरती जब तुम लौटोगी तब तुम्हें उसकी दो चार पंक्तियां जरूर याद रहेगी। रुचि द्विवेदी वाह भाई वाह के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो अतिथि हैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मूलतः प्रेम की कवित्री हूँ तो वहीं से बात शुरू करती हूँ। सुनिएगा कि प्रेम पढ़ना तो प्राण पढ़ लेना। हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, अरे पहला मिश्रा ही कमाल का है। प्रेम पढ़ना तो प्राण पढ़ना तो प्राण पढ़ लेना, नैन अर्जुन के बाण पढ़ लेना, नैन अर्जुन के बाण पढ़ लेना, कि चुप्पियों में भी शोर पाओगे, चुप्पियों में भी शोर पाओगे। मेरे मन का पुराण पढ़ लेना, मेरे पढ़ लेना, के भाव निर्द्वंद हो गए होंगे, भाव निर्द्वंद हो गए होंगे, सुप्त मकरंद हो गए होंगे, सुप्त मकरंद हो गए होंगे, फेंक करके दुशाल यादों की, फेंक करके
कहते हैं कि प्रेम शब्द का कोई विकल्प ही नहीं है, तो चार पंक्तियां सुनिए कि एक जुदाई में कायाकल्प न हो, प्रीति बढ़ती रहे ये अल्प न हो, प्रीति बढ़ती रहे ये अल्प न हो, हाँ यकीनन यही दीदे तर नहीं मिला कोई। दीदे तर मतलब जब आंखें भीगी भी हो, जब दीद तर हो उसे कहते हैं सजल नयन। दीदे तर, दीदे तर नहीं मिला कोई, मुख्तसर दर नहीं मिला कोई। मुख्तसर मतलब संक्षिप्त। बात है रुचि, मैंने क्या कहा था कि तुम आरती, तुम्हें भी क्या कहा था। और मैं सचमुच ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम इन प्रतिभाओं को ढूंढ के लेके आते हैं। और यकीन मानो मैं शूटिंग के अलावा दिन रात सोता नहीं हूं, लेकिन ये देखता हूं कि कहां ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं लाऊं और यहां पे उन्हें कविता पढ़वा दूं। उसी दौड़ में आज रुचि हमारे साथ है। मुझे अच्छा लगा कि मेरा परिश्रम कुछ काम आया। तुम्हें कैसा लगा? सर बहुत अच्छा, और रुचि जी मैं तो खड़ी हो गई, और बहुत अच्छा किया आपने। डेफिनेटली। हाँ, मेरे को आपकी आवाज बहुत प्यारी लगी। तुम्हें समझ में तो नहीं आया होगा कि भाई वो बातें तो समझ में नहीं आई होगी, लेकिन वो अंदाज तुम्हें समझ में आया। छोटी हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया जानकारी दी श्रवणी ने हमें, गौरिका ने। मैंने कहा तुम्हें समझ तो नहीं आएगा, हाँ मैं छोटी हूँ। ये जानकारी बड़ी कमाल की थी। वेरी गुड। सोनी मिश्रा, जो सबसे पहले आज से कुछ समय पहले हमने उसे खोजा था और वाह भी वाह में हम लेके आए थे, आज पुनः आपके बीच में अपने गीतों से आपके दिलों पर राज करने के लिए अपनी गजलों से, सोनी मिश्रा। मैं मोहब्बत के शहर लखनऊ से आई हूँ, मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत लिखती हूँ। और सर मेरा मानना है कि आपके जीवन में यश, वैभव, धन, कितना भी कुछ हो, यदि मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात, वाह। एक गजल आपके बीच रखती हूँ, और गजल का मतलब ही है महबूब से बातें करना। जब अपना कोई हमसे दूर होता है तो मन में क्या भाव होते हैं, ये गजल आप सभी के बीच सुनेगा। इरशाद सुना। हो सके तो परदेसी लौट करके घर आना, हो सके तो परदेसी लौट करके घर आना, लौट करके घर आना, वास्ता मेरा तुझको भूल तू नहीं जाना, वास्ता मेरा तुझको पाना ही प्रेम नहीं होता। ये शेर देखें। दूर है भले तन से पर करीब मन के।
ऐसा होता है जैसे दिल कहता है ये बार बार होता रहे, सुनेगा। छू गई थी धोखे से आए, आए। उंगलियां मेरी तुझसे। अरे क्या बात है, अरे वाह वाह सुनी, वाह वाह वाह। छू गई थी धोखे से उंगलियां मेरी तुझसे, उंगलियां मेरी तुझसे, अब तलक न ऐसा होता है चलते चलते कानों में जाने क्या कहा तूने। अरे क्या बात है, चलते चलते कानों में जाने क्या कहा तूने, जाने क्या कहा तूने, तब से दिल हमारा ये हो गया है बेगाना। आप सभी की नजर करती हूँ। फिर हमारे नैनों का फागुनी हुआ मौसम, हाय हाय। फिर हमारे नैनों का फागुनी हुआ मौसम, फागुनी हुआ मौसम, छा गया बहारों में, छा गया बहार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंद्रा, आप तो हमारे शहर से हैं, तो आपसे हमें यही उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कुछ कमाल दिखाएंगी, और आपने वो दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा। क्या बात है। श्रवणी सर, इस बार मुझे समझ नहीं आया, बट जितना समझ आया मैं कहती हूँ बहुत अच्छा था। क्या बात है। तो भाई आज का हमारा यह विशेष एपिसोड जो श्रवणी स्पेशल, मैं जनता से कहना चाहता हूँ, वाह भाई वाह को आप बड़ा प्यार देते हैं, और ईश्वर करे ऐसा ही देते रहे। लेकिन ये जो कल नया शो आ रहा है रात 8:30 बजे शेमारू उमंग पे, श्रवणी, इसे देखना मत भूलिए। ये शो बड़ा कमाल का है, प्रोमो आपने देखा और आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। क्या बात है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और यही कह सकता हूं कि याद मत करना सिर्फ भुलाने के लिए, आवाज दे देना कभी बुलाने के लिए। मैं जा रहा हूं इस वक्त, लेकिन सिर्फ इसलिए जा रहा हूं कल फिर लौट के आने के लिए। वाह भाई वाह।